कई वर्षों से डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा पंचायत वासियों को नहीं मिल रही है। उसमें तो कुछ नहीं है, कोई आदमी जाता भी नहीं है, क्या वो रहेगा तब तो आदमी जाएगा। इस औषधालय को का जीर्ण अवस्था में ये पड़ा हुआ है, इसको सुचारू रूप से यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति की जाए और इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। सरकार एक ओर जहाँ हर गांव में लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए अस्पताल बनवा रही है ताकि लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके, लेकिन सरकार और विभाग के इन सारे दावों का पोल खोल रही है। जहाँ बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के नौला राजकीय औषधालय 1994 में स्थापित हुआ, लेकिन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जर्जर भवन में कई वर्षों से राजकीय औषधालय संचालित की जा रही है, वहीं बेड पर मरीज की जगह बेड का उपयोग अब जलावन और गोईठा रखने के लिए किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह अस्पताल संचालित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह नदारद है, सालों से चिकित्सक इस हॉस्पिटल में पदस्थापित नहीं है। हालांकि औषधालय में मरीजों के लिए 6 बेड मुहैया की गई है, लेकिन यहां पर जलावन रखा जा रहा है। ग्रामीण उपेंद्र चौधरी, श्रवण दास समेत कई लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। करीब 30,000 आबादी वाले नौला पंचायत का इकलौता राजकीय औषधालय अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोग सुविधाओं से वंचित है। नौला पंचायत की मुखिया ऋचा देवी ने बताया कि औषधालय ने चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मांग की गयी थी। 30,000 आबादी का क्षेत्र है नौला पंचायत, यहाँ न डॉक्टर है न दवाई है। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं इसको विशेष चिकित्सा का दर्जा दिया जाए, इसको पुनः चालू किया जाए। कोई तरह की सुविधा नहीं वहाँ मिलता है, जन जनता जाती है और टाइम पर डॉक्टर नहीं आते हैं और घूर के चले आती है बस। क्या मांग है? क्या मांग करते हैं? दवा दारू कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं वहाँ, कोई सीट नहीं है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। उसमें तो कुछ नहीं है, कोई आदमी जाता भी नहीं है, क्या वो रहेगा तब तो आदमी जाएगा। डॉक्टर आते हैं? रहने नहीं करेगा तो आदमी क्या करने के लिए जाएगा? डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर कहाँ आते हैं? अच्छा अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? हमारा तो मुझे डॉक्टर आवे, सबका सुविधा हो। वही पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि इस औषधालय को अतिरिक्त अस्पताल का दर्जा दिया जाए, उसके लिए सांसद और विधायक के सामने बात रखी गई है। साथ ही कहा गया है कि पंचायत में बैठक में इस मुद्दा को प्रमुखता के साथ रखी गई थी। नौला राजकीय औषधालय में कई वर्षों से डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा पंचायत वासियों को नहीं मिल रही है। पंचायत समिति की बैठक में प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया गया है। विभागीय पदाधिकारी, स्थानीय विधायक, सांसद को भी अवगत कराया गया। अतः मैं अनुरोध करती हूं कि राजकीय औषधालय नौला को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया जाए। नौला औषधालय में समस्या ये है कि यहां बहुत दिन से डॉक्टर नहीं आते हैं और ना ही यहां कोई सुविधा उपलब्ध है, जिससे कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको काफी मशक्कत करना पड़ता है। यहां से बीरपुर जाना पड़ता है, वहां से बेगूसराय जाना पड़ता है। मान लीजिए इसमें पेशेंट को काफी दिक्कत होता है। हम ये मांग कर चुके हैं, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह से भी आवेदन दे चुके हैं कि इस औषधालय को का जीर्ण अवस्था में ये पड़ा हुआ है, इसको सुचारू रूप से यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति की जाए और इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। बेगूसराय से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।